पूरे देश में कोहराम मचा रहा कोरोना वायरस असम के चाय बागानों तक पहुंच गया है। डिब्रूगढ़ के चाय बागानों में 200 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालात और अधिक न बिगड़े इसलिए प्रशासन ने चाय बागान के पूरे इलाके को सील कर दिया है। असम के चाय बागानों में भी पहुंचा कोरोना। डिब्रूगढ़ के जालोनी चाय बागान के बाद मायाजान बागान में भी फैला संक्रमण। जालोनी टी स्टेट में 150 से अधिक लोग संक्रमित। प्रशासन ने चाय बागान के पूरे इलाके को किया सील। असम में कोरोना वायरस से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। शहरी इलाकों के बाद अब चाय बागानों में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। डिब्रूगढ़ स्थित जालोनी चाय बागान में 150 से अधिक संक्रमण के मामले सामने आने के बाद अब मायाजान बागान में भी 50 मजदूर संक्रमित पाए गए। हमारे सहयोगी रिपुंजय दास ने मायाजान चाय बागान जाकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। कल में 118 किया रहा केस टेस्ट किया रहा, उसमें से 62 पॉजिटिव निकला है, 60 पॉजिटिव निकला है। और जो पॉजिटिव निकला है पॉजिटिव केस आज भी टेस्ट कर रहा है, आज भी पॉजिटिव केस निकल रहा है। लेकिन ये लोग के रहने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। स्कूल एक ठू है, स्कूल में सबको भरा कर रखा हुआ है। क्लब एक ठू है, क्लब में भरा कर रखा है। ना यहाँ का मैनेजमेंट कुछ एक ठू कर रहा है, ना ऊपर से कुछ कर रहा है। और हम लोग को जो स्थानीय विधायक से जो हम लोग बात किया वो तो हम लोग को सहयोग कर रहा है, लेकिन यहाँ जो मैनेजर स्टेप जो लेने के काम रहा लेकिन वो नहीं दिखाई दिया। इस साल सामने बगान में हम लोग का जालोनी बगान है, जालोनी बगान से हम लोग थोड़ा मतलब जालोनी बगान से हम लोग को थोड़ा भाई एक ठू आ गया। यहाँ का आदमी भी वहाँ जाता है, वहाँ का आदमी भी यहाँ आता है, इससे चलते भी। और बीच में शादी भी एक ठू हो गया रहा, शादी अनुष्ठान हो गया रहा, उस एक हफ्ता का बाद में ये सब पॉजिटिव केस निकल गया है। 68 मिनिमम हो गया, 100 ज्यादा देर नहीं लगेगा। इस तरह यदि बढ़ते रहेगा तो 100 होने में भी ज्यादा नहीं लगेगा। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियाती तौर पर जालोनी चाय बागान में लोगों की जांच की गई, लेकिन जब मजदूर पॉजिटिव निकलने लगे तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद पास के दो और चाय बागानों में भी परीक्षण ड्राइव चलाया गया। ज्यादातर लोग यहां एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं। इस बीच प्रशासन ने चाय बागानों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। उल्लेखनीय है कि पहली लहर के दौरान चाय बागानों में ज्यादातर लोग संक्रमित नहीं हुए थे, लेकिन इस साल जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए बागानों में भी जांच अभियान छेड़ा गया। अगर टेस्ट ड्राइव नहीं किया गया होता तो वायरस का फैलना जारी रहता, क्योंकि ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक बताए जा रहे हैं। एक्चुअली जगह तो हमारे यहाँ सौ डिविजन एटार कारण आमार हिमान एटा अवेलेबल डांगर गार्डेनर निचना आमार यहाँ जगह तो ना आमार ओटिके आमार स्कूल खने आसिले जीतु स्कूल खन तारपा क्लब घर क्लाब घर आसे क्रीस हाउस आसे 65 इयार आगर बसर जेनेके 4-5 उलाइसिले आमी धुनिया के मेनेज करि राखिसिलु। इयात जदि मोर 100 पार हो जाय मोर इयात तो रखार कोनो सुविधा तेन लोकक मुक किबाटा सुविधा दियक, हेखिनि आमार फालपा आमी रिक्वेस्ट करिम जे आमी मानेखिनि जाते एखिनि जिखिनि पजिटिव केस उलाइसे हेखिनि जाते सुकलमे भालके राखिबो परा जाय, आपनुके किबाटा ठाय रखर आमा खुलि दियक। इस बीच बागानों में फैलते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डिब्रूगढ़ के जिला उपायुक्त गोपाल झा की अध्यक्षता में जिले के चाय बागान प्रबंधनों की आज एक बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान जिला उपायुक्त ने सभी से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की, साथ ही बताया कि चाय बागानों में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। उन्होंने सभी से वैक्सीन लेने की अपील की। बागानों में कोरोना वायरस का फैलना सरकार के लिए गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि बागानों की आबादी बहुत घनी होती है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं
वो आके यहाँ लगातार टेस्टिंग जारी रखा है उन्होंने, ताकि जो पूरा जो ये बागीचे का जो डाटा को वो निकाल सके सही तरीके से और अकॉर्डिंगली व्यवस्था ले जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार क्यों इस इन विषयों पे जो साधारण साधारण विषय है, जैसे जो हम बार बार कह रहे हैं, इस विषय पे किस लिए यहाँ के बगीचे के प्रबंधन ने उचित व्यवस्था उस समय रहते उचित व्यवस्था नहीं ली, ये आज के लिए सबसे बड़ा सवाल रह गया है। कैमरा पर्सन प्रणीप के साथ मैरी पुंजय दास, मायाजन बगीचा से नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।